सो हेलो गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट एंड आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंट्रोल्स के रिलेटेड। एंड ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कंट्रोल्स के ऊपर, क्योंकि कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा या फिर खराब होगा, ये तो सभी को पता है। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर क्लॉ, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 10 फिंगर, 20 फिंगर, जितने भी क्लॉ है, जितने भी कंट्रोल्स है, उनमें बेस्ट कंट्रोल्स आपके लिए कौन से है वो बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में कंट्रोल कोड भी देने वाला हूँ जो कि आपको चाहिए, वो कंट्रोल कोड भी देने वाला हूँ एक बेस्ट कंट्रोल्स का जो कि आपके लिए बनाया हुआ है। एंड कंट्रोल कोड से याद आया कि बहुत सारे बंदों ने क्या किया है कि यहाँ वहाँ से, इस यूट्यूबर से, इस फ्रेंड से, बहुत सारे बंदों से कंट्रोल कोड मांग मांग के कॉपी कर करके पेस्ट कर दिया अपने लेआउट में। एंड जो उन्होंने पेस्ट किया है कंट्रोल, उनको मास्टर कैसे करना है, उस पर हाथ कैसे सेट करना है वो उनको पता नहीं है। एंड डायरेक्टली खेलने जाते हैं क्लासिक, फिर होता है इधर उधर का बटन दब जाता है और मर जाते हैं। सो ऐसा बहुत सारे बंदों के साथ बहुत बार होता है, मेरे साथ भी भाई होता था। तो मैंने कंट्रोल, बेस्ट कंट्रोल फाइंड कर लिए एंड उसी का मैं कंट्रोल कोड इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड अगर आपको कंट्रोल स्विच भी करना है, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर इनमें स्विच भी करना है आपको, तो भी कैसे स्विच करना है वो मैं बताने वाला हूँ, मतलब मास्टर कैसे करना है कंट्रोल्स को। एंड आपने जो कॉपी किया हुआ है, मेरा कॉपी करोगे या फिर किसी और का कॉपी किया हुआ है, उसको कैसे मास्टर करना है, उस पर हाथ कैसे सेट करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इन शॉर्ट ये वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोल्स का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड बढ़ते वीडियो की तरफ, तो आ जाओ। सो गाइस, अब बात करते हैं कि 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 8 फिंगर, 10 फिंगर, इनमें से बेस्ट कंट्रोल्स कौन से हैं। तो इनमें बेस्ट कंट्रोल्स, अभी देखो मैं ये डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, फिर उन कंट्रोल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फाइनल आउटपुट निकल के, ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर के आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपने बहुत सारे वीडियोज में ये सब सुना होगा, देखा होगा, इसलिए आपको पता है। सो ये सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ कि 4 फिंगर सबसे बेस्ट कंट्रोल है। 5 फिंगर भी बेस्ट है, लेकिन 5 फिंगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सभी बंदों को जमेगा ऐसी, मतलब बोल नहीं सकते कि सबको जमेगा। तो 4 फिंगर एक डिसेंट, एवरेज, एवरग्रीन बोल सकते हो कि सबको जमता है, सब उसको यूज़ करते हैं। एंड उसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे, क्योंकि 4 फिंगर यूज़ करते हो आप और चारों फिंगर का फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग मूवमेंट करते हैं चारों फिंगर। सो एक साथ अगर उनको कंबाइन करो तो एक खतरनाक मूव आप बना सकते हो। तो रिजल्ट निकल के आता है ऑब्वियसली कि भाई 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल बेस्ट है। एंड उसी का मैं कंट्रोल कोड देने वाला हूँ इस वीडियो में, मतलब आगे। सो गाइस, अब मैं मेरे कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ एंड आपको कंट्रोल कोड भी दे देता हूँ जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं अपना कंट्रोल्स दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको पहले चीज़ें समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जॉयस्टिक है, यहाँ पे अपना इंडेक्स फायर बटन है लेफ्ट इंडेक्स वाला, तो यहाँ पे स्कोप है। एंड उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे पीक्स है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब ऐसा मेरा कंट्रोल है जो जिसका मैं कंट्रोल कोड देने वाला हूँ। एंड इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप इजीली इसको मास्टर कर सकते हो, एंड कैसे मास्टर करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल्स में है एंड ये मेरा है कंट्रोल्स, ये जो मैंने कंट्रोल्स मैंने खुद से बनाया हुआ है, मैंने कॉपी नहीं किया है, बनाया हुआ है खुद से। सो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको मास्टर कैसे करना है या फिर इस पे हाथ कैसे सेट करना है वो भी मेरे को पता है, क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है। सो वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं कंट्रोल कोड दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल कोड होता कहाँ पे वो देखना पड़ेगा पहले मेरे को। तो ऐसे यहाँ पे आप खेल सकते हो कि भाई पोजीशन देख सकते हो आप, जॉयस्टिक थंब जॉयस्टिक पे, इंडेक्स पे इंडेक्स बटन, स्कोप राइट वाली इंडेक्स से, एंड नीचे वाला जो थंब है वो स्क्रीन हिलाने के लिए, मतलब स्क्रीन लेफ्ट टू राइट जो अपना कैमरा सेंसिटिविटी है वो यूज़ करने के लिए। तो अब मैं आपको कंट्रोल कोड दिखा देता हूँ, बाकी बकवास ठीक है वो चलता रहेगा बकवास। एंड कंट्रोल कोड होता कहाँ पे भाई, कहाँ पे कंट्रोल कोड, हाँ ये रहा कंट्रोल कोड। सो कंट्रोल कोड आप देख लो एंड सेम ऐसा ही, मतलब ये एक अलग कंट्रोल कोड है एंड और एक कंट्रोल कोड, डिफरेंट वाला कंट्रोल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड उन बंदों के लिए अब मैं बोलता हूँ कि भाई जो जिन बंदों ने ये वीडियो बहुत दिनों के बाद देखा है, या फिर बहुत सारे बंदों को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपायर हो जाता है कोड, बहुत सारे बंदे ट्राई करते, तो उनको कैसे मिलेगा कंट्रोल कोड, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं कि भाई कंट्रोल कोड दो, मैं वहाँ पे कॉपी करके उनको पेस्ट कर दूंगा। एंड भाई एक रिक्वेस्ट है कि आ ही रहे हो तो फॉलो भी कर देना इंस्टाग्राम पे। तो अब बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, जो कि है कंट्रोल कोड। तो आप मेरा कॉपी कर लोगे, कॉपी कर लिया होगा, या फिर किसी और का भी अगर आपके पास है नया नया आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो उसको कैसे मास्टर करना है, प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक फायर बटन लेफ्ट वाला,
आपका थंबनेल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जॉयस्टिक एंड आपका स्कोप वाला बटन। तो ये तीन चीजें आपको सबसे पहले डार्क कर लेनी है, मतलब उसके ओपेसिटी बढ़ा देनी है, वही बाकी सब गायब कर देना है। एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फायर करना है, इधर उधर फायर करना है, स्कोप ऑन करना है, फायर करना है, स्कोप ऑन करना है, फायर करना है। ये होगी पहली स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, आपको क्राउच जो है उसके ओपेसिटी बढ़ा देनी है। मतलब क्या है कि जब भी आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आओगे तब सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, पहले क्राउच करना है, फिर स्कोप ऑन करके फायर करना है। ये करते करते आपका हाथ जो है वो बैठ जाएगा, मतलब हाथ सेट हो जाएगा उस कंट्रोल्स पे। ये हो गई सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, पिक्स ऐड करने। तो मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे आपको पिक्स ऐड करने की, भाई पहले क्राउच, फिर पिक एंड स्कोप एंड फिर फायर। मतलब ये सब चीजें मैं जो दिखा रहा हूँ वो आपको करनी है एक प्रोसेस में, एंड धीरे 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 आपका इसके ऊपर हाथ सेट हो जाएगा, एक दो दिन में भी सेट हो जाएगा अगर आप ज्यादा खेलते हो तो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड यहीं तक था अपना ये वीडियो, एंड यहाँ तक देख रहे हो तो खतरनाक टाइप कर देना ताकि मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ तक देखा है एंड लाइक भी किया है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ए वाजौती गाना।